हम तो हाथ जोड़ करके नीतीश कुमार जी से विनती करेंगे कि नीतीश कुमार जी, हम जानते हैं आप कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी अपने कुर्सी के चक्कर में जिस प्रकार से कीड़े मकोड़े तक स्थिति जो हो गई है लोगों की, गाजर टमाटर जैसे काटा जा रहा है, वैसे इंसानों की बलि ना चढ़वाएं। अब तक आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सोशल मीडिया के जरिए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए देखा होगा। ये देखा होगा कि किस तरीके से वो नीतीश कुमार पर बरसते हैं और उनकी नीतियों पर सवाल उठाते हैं। लेकिन आज बिहार में बढ़ते अपराध पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार के सामने हाथ जोड़ लिया। हाथ जोड़कर ये कहा है कि नीतीश कुमार बिहार को बचा लीजिए। दरअसल आज तेजस्वी यादव रुपेश सिंह के परिवार से मिलने छपरा जा रहे थे। इसी वक्त उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और संबोधित करते हुए ये कह दिया कि अब बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है, नीतीश कुमार के सामने मैं हाथ जोड़ता हूं और चाहता हूं कि बिहार की जनता और बिहार को बचा ले। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव इस पूरे वीडियो में। विषय पे चिट्ठी भी हमने लिखा है और जरूरत पड़ने पर एक महीने में अगर क्राइम जो है कंट्रोल नहीं हुआ तो इसके लिए हम लोग जो हैं सभी विधायकों के साथ, महागठबंधन के सभी साथीगण मिलकर के जो है दिल्ली कूच करेंगे, राष्ट्रपति महोदय से हम लोग मिलेंगे, उनके सामने परेड करेंगे कि बिहार की स्थिति भयावक है और पूरी तरीके से यहाँ जो है अपराधियों का बोलबाला चल रहा है। हम तो हाथ जोड़ करके नीतीश कुमार जी से विनती करेंगे कि नीतीश कुमार जी, हम जानते हैं आप कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी अपने कुर्सी के चक्कर में जिस प्रकार से कीड़े मकोड़े तक स्थिति जो हो गई है लोगों की, गाजर टमाटर जैसे काटा जा रहा है, वैसे इंसानों की बलि ना चढ़वाएं। क्राइम को पूरी तरीके से आप कंट्रोल कीजिए, आपकी जवाबदेही है। और आप देखिएगा दिन प्रतिदिन, अभी वकील की एक हाजीपुर में एक वकील की हत्या हो गई है और लगातार पुलिस प्रशासन भी DGP हाथ खड़े कर रहे हैं, वो आंकड़ा दे रहे हैं कि 19 में ज़्यादा था अब कम है। 16 साल से मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी, तो इस तरह का बयानबाजी अगर हो रहा है, DGP खुद पल्ला झाड़ रहे हैं अपना, तो आप राज्य की स्थिति आप समझ सकते हैं क्या, किस दौर से बिहार जो है वो गुजर रहा है। आज हमारी मुलाकात होने जा रही है उनके परिजनों से और अब तक देखिए कोई गिरफ्तारी तक नहीं हुई है, कोई एक अहम सुराग तक नहीं मिला है। आप समझ सकते हैं राजधानी पटना की जो घटना, जो केवल मात्र 2 किलोमीटर मुख्यमंत्री आवास से 9 मिनट के रास्ते के भीतर ऐसी बड़ी घटना होती है और प्रशासन जो है कुछ नहीं कर पा रहा, तो हम लोग इस चीज़ को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। और पुलिस प्रशासन किन कामों में लगा हुआ है ये बकायदा पूरे बिहार की जनता जानती है। ये मुकेश सहनी नाराज हो गए हैं NDA से, बोलते हैं मुझे 6 साल वाला टर्म चाहिए, मैं 4 साल में धोखा बता रहा हूँ, धोखा बता दे रहे हैं, खरमास खत्म हो गया है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए जो लोग चोर दरवाजे से जो सरकार बनाए, यहाँ बिहार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अपराध बढ़ रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, इनको केवल और केवल अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। ये लोग सत्ता के लोभी लोग हैं, ना संघर्ष करना है, ना जनता के बीच रहना है, ना दुख सुख में भागीदार रहना है, केवल अपना ही अपना लालच की जो है वो पूर्ति करनी है। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह कह दिया कि दिन प्रतिदिन बिहार की स्थिति खराब होती जा रही है और इसकी जिम्मेवारी नीतीश कुमार को ही लेनी होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो राष्ट्रपति से भी बात करेंगे। बहरहाल इस तरह की तमाम बड़ी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिएगा, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।